हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे फार्मेसी चैनल में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम एग्ज़ाम पैटर्न बताने वाले हैं जो प्रीवियस बोर्ड पेपर है UPBT का, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, जिसमें EDM डी फार्मा सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होती है जिसे कंपलसरी पास आउट करना होता है। ये इसका एग्ज़ाम पेपर है फ्रेंड्स, प्रीवियस बोर्ड का पेपर है। सिंपली आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न आता है। ये देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट में निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों का उत्तर दें। का पार्ट जो है पर्यावरण के अंतर्गत इको पद्धति की उपयोगिता को समझाइए। इको पद्धति इको सिस्टम द्वारा बेहतर परिस्थिति प्राप्त करने के लिए उपायों का सुझाव दें। नेक्स्ट जो है खा पार्ट है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उन घटकों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है गा, निम्नलिखित का वर्णन करें। फर्स्ट पे जिसमें मल्टीक्लोन्स होता है, सेकंड पे बॉग फिलर्स होता है। ये एक मशीन से यंत्र हैं, इनको आप इजीली इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसकी बुक आती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन भागों का उत्तर दें। जो का पार्ट है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की पद्धति का वर्णन करें। नेक्स्ट खा है वेंट्रिकुलर अशुद्धिकरण से आप क्या समझते हैं, इसको नियंत्रित करने की विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो गा है अयोग्यता तथा संक्रामक अवशेषों के शुद्धिकरण के उपायों को लिखें। नेक्स्ट जो है गा श्रवण प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन के कारण उन्हें नियंत्रण के उपायों को लिखें। नेक्स्ट जो अंगा रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव प्रदूषण पर एक लेख लिखें। तो फ्रेंड सिंपली आप देख पा रहे हैं इसमें जो प्रत्येक जो पार्ट है वो तीन नंबर का है, तो आपके जो यहाँ पर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी यहाँ पर 3 नंबर की है। टोटल जो क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 12 नंबर की है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3 जो है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों का उत्तर दें। प्रत्येक पार्ट का जो आपकी मार्किंग की जाएगी 4 नंबर की जाएगी। तो यहाँ पर का पार्ट देखेंगे वायु प्रदूषण के मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण के प्रबंधन को समझाइए। नेक्स्ट जो खा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के मुख्य धाराओं को दर्शाइए। नेक्स्ट जो गा है प्लास्टिक प्रदूषित पदार्थों के नियंत्रण द्वारा उसे लाभदायक व्यवसाय में प्रबंधन द्वारा डालने की अवक्रिया का उल्लेख करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों का उत्तर दें। आपको दो पार्ट का क्या आंसर देना है, प्रत्येक पार्ट की जो मार्किंग रहेगी 4 नंबर की रहेगी। टोटल जो क्वेश्चन की मार्किंग है वो 8 नंबर की है। इसमें का पार्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के नियंत्रण अधिकारी के कर्तव्य तथा अधिकारी का वर्णन करें। नेक्स्ट जो खा पार्ट है आपदा शब्द से तात्पर्य क्या है, मनुष्य द्वारा आपदा लाने के कारणों का उल्लेख करें। नेक्स्ट जो है गा पार्ट है एक केस स्टडी का वर्णन करें जिसमें मनुष्य द्वारा उसकी गलत तथा नासमझी से आपदा उत्पन्न हुई हो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें देखिए सिंपली लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखें, जिसमें जो आपका ये टोटल मार्किंग है जिस क्वेश्चन की वो आपकी 3 मार्किंग रहेगी एक पॉइंट की। तो वहाँ पर टोटल क्वेश्चन की मार्किंग जो है 12 नंबर की रहेगी, जिसमें का पार्ट जो है राष्ट्रीय पर्यावरण परियोजना के बारे में आपको कुछ टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट जो खा पार्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट गा पार्ट आपदा मिटिगेशन तथा अवरोध के बारे में कुछ डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो है घास सुनामी तसुनामी क्या होती है उसके बारे में आपको मेंशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो अंगा है ISO 14000 प्राकथन क्या होता है। नेक्स्ट जो है चा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2003 के अकॉर्डिंग आपको बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कस बताना है। तो इस तरीके से इसका जो कंप्लीट रिव्यू देखा हमने, ये आपका कंप्लीट पेपर होता है EDM एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडी को जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से यहाँ से आपको पता लग पाएगा कि किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न आता है। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो सिंपली आप देख पा रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट डाउन करके आप इजीली इनको नोट डाउन करके आप इसे रीड कर सकते हैं। बहुत जल्द हम सभी पेपर्स को आप क्या है वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे, तो इजीली आप इनका पैटर्न पता लगा सकते हैं कि पैटर्न किस तरीके का होता है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है फ्रेंड्स, तो आने वाली सभी पैरामेडिकल वैकेंसी और पैरामेडिकल की जो न्यू अमेंडमेंट आती है उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए और पैरामेडिकल सभी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।